मंगलवार राजगढ़ प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ में अग्रीन कॉलेज का लोकार्पण किया, जो 6 करोड़ से ज्यादा के लागत में बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। मृदुभाषी प्रदेश के लिए राजगढ़ से ब्यूरो चीफ रामबाबू गौड़ की रिपोर्ट। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजगढ़ में एक नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है। बच्चों के लिए, खास करके नई पीढ़ी के लिए, और दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, ऐसे में युवाओं के लिए महाविद्यालय की सौगात मिलती तो ये आनंद का विषय है। साथ ही साथ मैंने कुछ नए कोर्स की बात भी कही है कि नए कोर्स जो समसामयिक हो, जिनका उपयोग भविष्य में हो, खास करके कृषि के क्षेत्र के अंदर से जुड़े हुए हार्टिकल्चर के या हमारी प्राकृतिक खेती संबंधी जो जो भी कोर्स हो, वो अगर यहाँ लाते हैं तो मैं उनकी परमिशन देने की घोषणा मैंने की है। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य की दृष्टि से राजगढ़ में और विकास के क्रम जो जारी है, जैसे पिछले समय मेडिकल कॉलेज की जहाँ घोषणा हुई थी, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ, और भी इसी प्रकार से नए नए काम अपने लगातार चलते हैं। मैंने आज जिला स्तर पर समीक्षा बैठक भी रखी थी, लेकिन समीक्षा बैठक में मैंने निर्देश दिए कि जिले की समीक्षा करने के बजाय मैं विधानसभा वार समीक्षा करूँगा, ताकि विधानसभा के नीचे ब्लॉक के अंदर होने वाले कामों की जानकारी होना चाहिए, और उन कामों की जानकारी में गुणदोष के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को मैं उसी ढंग से बात करूँगा जिसकी आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जिला स्तरीय एक समीक्षा बैठक उनकी अध्यक्षता में कलेक्टर ने आयोजित की थी, जिस बैठक में 19 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मामले थे, किसानों से जुड़े हुए मामले थे, बिजली से जुड़े हुए मामले थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि माननीय मंत्री जी के पास समय नहीं था और मीटिंग रख ली उन्होंने। 3 मुद्दों पे चर्चा हुई, वो भी आधी अधूरे, उसमें भी हर सवाल जवाब में कि अगली बार तैयारी करके। भाई अगर समीक्षा बैठक रखी है तो उस मुद्दे पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और निराकरण पर हल निकलना चाहिए, लेकिन मीटिंग खत्म कर दी। हमने कहा भाई माननीय मंत्री जी कम से कम खाद और बिजली पे तो चर्चा कर लो, तो खाद और बिजली के लिए बात आई सामने। 15 से 20 दिन में एक एक ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं, किसान परेशान है, सड़कों पे जाम लगा रहे, बिजली मिल नहीं रही, खाद की एक एक कट्टी के लिए, खाद के लिए रोज चक्का जाम हो रहे, रात रात भर लाइन में लगे रहते। क्या इस जिले के किसान भाई, अब मंत्री जी ने कहा रकबा बढ़ गया, अरे भाई रकबा बढ़ गया तो शासन प्रशासन को इस बात की तैयारी करना चाहिए कि रकबा बढ़ गया तो खाद की व्यवस्था भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जनता भटक रही और मंत्री जी के पास समय नहीं है, तो मंत्री जी से तो यह रस्मदाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जाइए अपने अपने जिले में हर विभाग की समीक्षा करिए, ये करिए विभाग की समीक्षा, 3 विभाग की समीक्षा की और चलते बने, क्योंकि समय नहीं है। यहाँ भी कॉलेज का उद्घाटन हुआ, माननीय मंत्री जी के पास समय नहीं है, उन्होंने कि मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से कार्यक्रम खत्म करो। तो ये कैसी रस्म अदायगी माननीय मंत्री जी की, और आज तक जब जब भी जिले के दौरे पर आए, जब भी आए तब भी उनके पास समय नहीं, चाहे वो स्थापना दिवस हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे 15 अगस्त का कार्यक्रम, 26 जनवरी का, उनके पास समय होता ही नहीं। उनको इस जिले का प्रभारी मंत्री बना ही क्यों रखा, जब उनके पास जिले के लिए समय नहीं है, जिले के विकास की योजनाओं के लिए समय नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं राजगढ़ जिले से। राजगढ़ जिले के किसान चाहे सड़कों पे जाम लगा लगा के मर जाए या रात भर खाद की कट्टी के लिए लाइन में लगे रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। तो मेरा यही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आप ऐसा कोई प्रभारी मंत्री नियुक्त करिए राजगढ़ जिले, जो कम से कम पर्याप्त समय तो दे सके राजगढ़ के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।